all of you wonderful kids there. इतना प्यारा प्यारा आप लोगों ने मुझे kisses दिए, इतना प्यारा welcome दिया. Thank you so much. I love you too. And मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि I am feeling very lucky to share this stage with Anil ji and my dear, dear, dearest friend for longest time, Neetu. You know, ये हमेशा कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं कि मैं एक्चुअली सोच में पड़ जाती हूँ कि एक आदमी अपना सारा वक्त निकाल कर जो बहुत कुछ दूसरा काम कर सकता है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, पर ये जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए अपना सारा समय, अपनी सारी एनर्जी ये यू नो इन सारे अलग अलग कामों में लगाते हैं, उसके लिए मैं इनके लिए चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियाँ बजाएँ, बिकॉज दिस इज़ फैंटास्टिक व्हाट ही डज. एंड आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि इन्होंने मुझे आज इस मंच पे यहाँ आप सबके सामने शामिल होने का मौका दिया. मुझे बच्चों से बहुत प्यार है तो आज मुझे वाकई में मैं मना नहीं कर पाई बिकॉज आप लोग यहाँ थे. सो थैंक यू फॉर ऑल दिस लव वंस अगेन. और बड़ों से भी प्यार है बिकॉज बड़ों में भी बच्चे ही होते हैं, नहीं हमारे अंदर भी सबके अंदर बच्चे ही हैं छोटे छोटे छुपे हुए. सो to all the love and to all the success, I want to just wish Mr. Murarka all my best wishes and thank you so much for making me a part of this beautiful contest today. I would love to see what the kids have done, like I really wanted to see that and I would love to see it because talent is one thing I can tell you ki aap se wo koi nahi chheen sakta duniya mein, wo aapki apni daulat hai. तो जब आपके पास टैलेंट है ना, आप ये समझिए आप बहुत अमीर हैं, क्योंकि वो टैलेंट आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है. यू नो कई लोगों को सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और कई लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी उन्हें अपना नाम बनाने के लिए या प्रेस उनका एक फ़ोटो छापे या कहीं उनकी पब्लिसिटी हो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मगर टैलेंटेड लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना जौहर दिखाना पड़ता है बस. सो दैट्स हाउ रिच यू आर एंड नेवर फॉरगेट दैट, नेवर फॉरगेट आपकी वैल्यू क्या है, आपके टैलेंट की वैल्यू क्या है. सो कीप पुशिंग दैट टैलेंट एंड जस्ट कीप रीचिंग ऑल द हाइट्स. मे अल्लाह ब्लेस यू विद एवरीथिंग बेस्ट इन लाइफ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर. थैंक यू शमा. तो अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो शमा अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था, तो यू इट्स नॉट दैट अलग अलग थॉट है. शमा ने भी बहुत मेहनत की है, एक नाम एक शोहरत, और जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम कहीं से नहीं आते हैं एंड वी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस कि हम लोग अगर टैलेंट हो, हार्डवर्क हो, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, या तो ऊपर वाला या आप खुद, और कुछ भी ऐसा कोई दूसरा इंसान में हिम्मत नहीं है. इफ़ यू आर टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, आप अपना जौहर दिखाएँ और you will be recognized and you will make a position for yourself. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक फैमिली जब साथ देती है तो सब एक साथ आगे बढ़ जाते हैं. एक आदमी को बनाने के लिए पूरी फैमिली लग जाती है. एंड इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट मिसेज मुरारकर एंड द सन देयर. सिंस द टाइम आई हैव कम वो कहते रहे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया. मैं जानना चाहती थी क्या क्या हो रहा है. मैंने इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखी, क्या टैलेंट था, द वे दे हैव परफॉर्म्ड एंड एवरीथिंग. सो आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो दैट इट टेक्स द होल फैमिली टू गेट टुगेदर टू मेक समथिंग. और इतना आसान नहीं होता. आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट अनिल जी के पीछे ये फोर्सेज हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी ब्यूटिफुली हो रही हैं, राइट? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अनिल, this you deserve because I have been seeing you, I know you for more almost a decade now I think, and मैं इनका काम देखती रही हूँ हमेशा, Facebook पे हो या online हो या papers में हो. ऐसे initiative कोई लेता नहीं है, तो ये initiative लेना और इस तरह से खूबसूरती से आप लोगों ने अपने talent को जो यहाँ पर प्रस्तुत किया है, the way you have presented, it's great.
सो गाइज देयर इज नो लिमिट, जो करना है आप दुनिया में कर सकते हैं और कोई आपको नहीं रोक सकता है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है पटना पायरेट्स में, लेकिन यू नो प्रदीप की हालत बहुत खराब थी। हाँ इतना भूला हुआ जब वहाँ थे, इसलिए लास्ट गेम मैच नहीं खेल पाया वो, बट आप खेलेगा दस दिन करे उसके उनके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। कैप्टन भी है ना और अच्छा।
associated with him for a long time with whatever jab bhi mauka milta hai mujhe to main hamesha aati rehti hu karti rehti hu aap log jante hain because hamesha se jab bhi koi bhi social cause hota hai to specially aisa initiative jo bahut kam log lete hain uske liye main hamesha rehti hu और मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन यू नो दैट CPA हो या बहुत सारे और एसोसिएशन हो जिसके लिए मैं हमेशा रहती हूँ और ये इतना ब्यूटीफुल एसोसिएशन है और इनिशिएटिव है जो कोई लेता नहीं है सो आई दैट्स हैट्स ऑफ टू डॉक्टर अनिल मुरारकर की ही डिड दिस एंड इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और ये सब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है राइट जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव में आज दिखाई देती है तो जैसे मैंने सर को पूछा था क्या आपको मोटिवेट करता है और हमने भी देखा है कि आप बहुत सारे इनिशिएटिव में दिखाई देती है सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है उस इनिशिएटिव को तो क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के काम करने के लिए देखिए मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर लड़कियाँ हीरोइन बनने का सपना नहीं देखती हैं और मैंने हमेशा ज़मीन पे खड़े होकर आसमान को छूने की कोशिश की है और बहुत लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है तो मुझे लगता है कि अब जब मैं एक पोजीशन पे हूँ जहाँ पे लोग मेरी बातें सुनते हैं तो उनका साथ दूँ जिनकी बातें लोग नहीं सुनते हैं तो इसलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ जहाँ भी मौका मिलता है क्योंकि ऐसा लगता है सबको कि उनके लिए कर रहे हैं लेकिन असलियत ये है कि मैं खुद के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करके सर कितना कन्विंस करना पड़ा शमा को और नीतू को यहाँ पे बुलाने के लिए और उस बारे में कुछ बताइए कि उनको यहाँ पे जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ा मुझे एंड हियर शी इज़ एक जज्बा है नीतू जी में कुछ कर गुजरने का वो भी एक सामाजिक कामों के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जस्ट एक फ़ोन किया मैंने और ये बिल्कुल इन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि मैं बिल्कुल वहाँ पक्का आ रही हूँ एंड आई सी दैट आई एम एंजॉइंग विद द किड्स ओके सर किड्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया कितना नॉस्टैल्जिक लगता है जब मतलब छोटे छोटे बच्चे यार ये देश का भविष्य है इनको ढूंढना और इनको तराशना इन्हें एक राह अगर प्रॉपर दी जाए आज तो ये हिंदुस्तान का नाम कहाँ रोशन करेंगे आप और मैं सोच भी नहीं सकते से मैंने सर को पूछा कितना नॉस्टैल्जिक फील करती है और क्या मेमोरीज है आपकी बचपन की अगर देखिए आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है कि नहीं आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पटना पायरेट्स प्रो कबड्डी दिस टाइम तो जब उस ज़मीन के लेवल पे खड़े होकर लोग खेलते हैं और वो सारे प्लेयर्स भी कहीं से नहीं आए अचानक से उनको 5-6 सालों में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और पोजिशन मिली है तो वो एक इंस्पिरेशनल बात है कि आई एम श्योर ये बच्चे भी जब बड़े होंगे या बड़े होते हुए पोजीशन में कोई ऐसा मुकाम हासिल करेंगे अगर वो टैलेंटेड होंगे कि क्योंकि प्रो कबड्डी में जितने प्लेयर्स हैं सब बहुत टैलेंटेड हैं वो कहीं से नहीं आते लेकिन वो टैलेंटेड हैं तो आज इतना टैलेंट हम देख रहे हैं तो आई एम श्योर उनके भी पोजीशन ज़रूर बनेगी राइट आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी जैकी श्रॉफ अर्जुन बाजवा दिव्या दत्ता के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी तारिक सिद्दीकी की आपने देखी है कि आई डोंट नो द प्ले बॉय मिस्टर साहनी विच इज़ डूइंग रियली वेल दैट्स द फिल्म विच ऑलरेडी रिलीज दूसरी मेरी रेखा भारद्वाज की वीडियो अभी रिलीज़ हो रही है जो मैं LA में शूट करके अभी भी आई हूँ एंड देन अनदर वीडियो विच आई हैव जस्ट डन इज़ विद मुदस्सर एंड म्यूजिक सोनी म्यूजिक एंड दो स्क्रिप्ट पे शूटिंग चल रही है दिवाली भी आने वाली है क्या प्लान्स है इस साल दिवाली के और इस साल मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी खुद क्योंकि कभी बना नहीं पाती हूँ तो मैंने सोचा इस दिवाली ज़रूरी है कि फैमिली के साथ रहें और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यू नो यू नॉट विद योर फैमिली तो मैंने ट्रैवल कर रहे हो और इस बार मैंने सबको बुलाया कि यू नो आई एम गोइंग टू कुक फॉर यू तो मम्मी और दोनों भाई और मेरे सारे नॉट फॉर देम बट नहीं यू मोस्ट वेलकम जी आप हमेशा ये कुछ भी ओकेशन देख के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोग्राम करते हैं जैसे 15 अगस्त में भी आपने किया था वेयर यू गेट ऑल दीज आइडियाज कहाँ से आते हैं इनके ही दिमाग से आते हैं सर इट्स ऑल इन द माइंड आपको एक कोशिश करनी है हर चीज़ पॉसिबल है जैसे आप बोलते आए हैं कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल दैट्स इट उसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपको दिमाग में कोई चीज़ है आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है बहुत अच्छा है सर आप लोग सब लोग प्रो कबड्डी देखने जरूर आना दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई एम्बेसडर है तो आई एम वेरी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का पटना पायरेट्स परफॉर्म कर रहे हैं पटना पायरेट्स के अप्स एंड डाउन जरूर रहे लास्ट के कुछ परफॉर्मेंसेज में बट आई थिंक लास्ट मैच वाज फैंटास्टिक इवन दो प्रदीप वाज नॉट वेल स्टिल टीम प्लेड लाइक अ यूनाइटेड टीम विच आई थिंक दीपक डिड वेरी वेल कुलदीप डिड वेरी वेल जयदीप डिड वेरी वेल एज अ डिफेंसर एज अ रेड आई थिंक
दीपक डिड रियली रियली वेल, तो इसलिए टीम जीत पाई इस बार. एंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी क्योंकि बंगाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है, तो उनके अगेंस्ट जीतना इज अ गुड थिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सेम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस. आई होप आपने देखा होगा जीरो का भी ट्रेलर आ चुका है और 2.0 का भी ट्रेलर, कोई रिएक्शन होगा उसके ऊपर? या आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेलर क्योंकि हम जिस तरह से हमें जाना जाता है म्यूजिक डांस कल्चर से हम बड़े हुए हैं, और इस तरह से पुराने गाने नए गाने को लेकर आनंद सर हमेशा आते हैं, आई थिंक दिस हैज़ टू बी अ सुपर हिट बिकॉज द वे इट इज़. एंड दो गॉर्जियस सुपर स्टार्स हमारे इस फिल्म में हैं, अनुष्का और कैटरीना, आई थिंक दे आर लुकिंग अमेजिंग टू. सो गुड लक टू बोथ ऑफ देम, गुड लक टू आनंद सर एंड शाहरुख सर, यू ऑलवेज रॉक. ओके, लास्टली एक दिवाली विश हो जाए नहीं सर. नमस्कार, मेरा नाम है नीतू चंद्रा और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. दोस्तों हाय, आपका अपना आम आदमी अनिल मुरार का आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच, इनिशिएटिव लिया है बच्चों के साथ, और कितना नॉस्टैल्जिक फील करती है जब बच्चे इस तरह के. यार इससे प्यार इनिशिएटिव क्या हो सकता है एक दिवाली के दिन. आई एम सो लकी कि आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच. नो सीरियसली, आप इन्होंने जैसे मुझे कहा कि बच्चों का इवेंट है, अंडर प्रिविलेज किड हैं, किड्स हैं, उनमें से इन्होंने बड़े छांट के जो बड़े टैलेंटेड बच्चे थे उनको लिया है. एंड आई ऑलवेज लव टैलेंट, मुझे लगता है कि यू नो टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, तो जब जहाँ से वो आता है उस टैलेंट की बहुत कदर करनी चाहिए हमें एज ए ह्यूमन बीइंग. और आज इन्होंने वही किया है कि उन्होंने ना स्तर देखा ना कुछ देखा, इन्होंने जिसमें सच्चा टैलेंट है वही देखा और उन्होंने वहाँ बच्चों को मौका दिया. एंड आई कुड सी हाउ हैप्पी दे वर, आई कुड सी दे वर रियली एंजॉयिंग परफॉर्मिंग फॉर पीपल. आई मीन वो जो हंसी आपने बच्चों को दी आज, उसकी उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कुछ मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है इनफ. सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बहुत प्रीशियस बात कही शमा ने कि उनकी जो स्माइल है उनका कोई मोल, मतलब बहुत अनमोल है. देखो इसमें कोई संदेह नहीं है, इन्होंने कहा नहीं लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ धन्यवाद इनको. जस्ट एक फ़ोन किया मैंने, मुश्किल से एक मिनट बात की होगी और इनका आउटबर्स्ट रिएक्शन था, अनिल मैं पक्का आ रही हूँ वहाँ पर. कौन करता है आज की दुनिया में, रियली थैंक्स टर्न टू यू. भगवान ने मुझे पूरी दुनिया का नॉलेज देना था, इसलिए मुझे नौ स्कूल ने बदला. नहीं सो क्या है कि जब मैं डिप्रेशन के दौर से वगैरह से गई ना, तो मुझे समझ आया कि भाई साहब अपने बच्चे को ज़िंदा रखो, जो अपना अंदर जो बच्चा है ना इसे हम मार देते हैं, इसलिए हमें डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें हमें होती हैं. तो तब से मैंने सीख लिया वो बच्चा ज़िंदा रखो. सो वो बच्चा हमेशा मुझ में ज़िंदा रहता है. सो आई कैन कनेक्ट विद देम, आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू देम. ऐसा नहीं है कि आज सडनली मुझे वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई है, बट मुझे वो जो एम्प्लीफाइड कनेक्शन का जो एहसास होता है ना, मैं कैसे कहूँ आपसे, मल्टीप्लाइड कनेक्शन का एहसास वो होता है जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, जब जिस तरह से वो मेरे स्वागत में चिल्लाए, आई वॉज ओवरवेल्म और मैं भी उनकी तरह चिल्लाने लगी. परफॉर्म भी किया, देखो मुझे रोक ही नहीं पाई अपने आप को. इट्स जस्ट जिस तरह की एनर्जी आपको मिलती है ना, आप मजबूर हो जाते हैं वो वापस देने के लिए. तो आई कुड सी कि उन बच्चों का प्यार, वो मेरे साथ डांस करना चाहते थे और उन्होंने मुझे नचाया ऑन स्टेज. एंड कितना प्यारा नाचते हैं सबके सब, इतनी स्माइल के साथ नाचते हैं. आई लव्ड इट. सर आपने परफॉर्म नहीं किया सबके साथ? सिंगर्स में टैलेंट होता है इस तरह, सम बाथरूम सिंगर्स. वैसे ही शायद मेरा नाम उस सेगमेंट में आएगा. सी दे आर मेंट फॉर ऑल दिस, दे आर स्टार्स इन देयर ओन. वी आर बैक स्टेज यार, हमको वहीं रहने दो आप. ओके शमा, आपसे अलग सवाल जानना चाहूँगा थोड़ा सा. रणवीर दीपिका शादी करने वाले हैं, आपने कहा दीपिका भी डिप्रेशन में थी, आप भी, दोनों की अभी रिसेंटली शादी होने वाली है, तो आप चाहते हैं मैं भी शादी कर लूँ? नहीं मतलब आप डिप्रेशन वाले लोग शादी कर रहे हो, आप भी कर लो. आपका क्या रिएक्शन है, बहुत ही परफेक्ट कपल है वो दोनों, अगर उस बारे में कुछ बताएं. भगवान उन्हें बहुत खुश रखे, एज लॉन्ग एज दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, एज लॉन्ग एज दे ट्रूली लव ईच अदर, आई विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल द लक एंड लव एंड सक्सेस. दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, आज अपने अपने स्तर पर पहुँचे हैं. मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए. दिवाली भी आने वाली है, क्या प्लान है इस साल दिवाली कैसे सेलिब्रेट? मेरा यही प्लान था यार, ऑनेस्टली मैं इस बार दिवाली नहीं मना रही थी और आज इन्होंने मुझे इतना बेहतरीन मौका दे दिया दिवाली मनाने का. ये मेरी दिवाली है, मैं सच में ये बहुत ही आनंदित फीलिंग लेकर जा रही हूँ घर पे. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जॉयफुल.
any upcoming project you would like to share with us? So I'm doing a music video with this fabulous artist. I will talk about this later. And I'm working on Abdul Ki Sun season 2 and a feature film and one web series. So char cheeze is waqt chal rahi hai simultaneously. Jaise hi shoot pe jayenge hum, jaise hi I'll be allowed to talk about them, I will. शमा, आई होप आपने देखा होगा, जैसे मैंने नीतू से भी पूछा था कि जीरो का ट्रेलर आ चुका है, अगर उस बारे में कुछ बताया, अगर आपने देखा हो तो। यार मैंने देखा, बट ना बहुत सारे लोग बैठे थे तो मैं ठीक से नहीं देख पाई, बट नाउ आई विल गो एंड वॉच अगेन। शाहरुख खान इज शाहरुख खान, आई मीन यू कांट जस्ट deny that. I saw Anushka Sharma भी बहुत अच्छी लग रही हैं उसमें, और कुछ अलग हटके उन्होंने किया है, बट मैं सुन नहीं पाई ठीक से, जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों के बीच में देखा मैंने, बट ऑब्वियसली लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। शाहरुख ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ इतना अलग किया है, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ह्यूमन बींग्स हैं आई थिंक। मुझे लगता है वो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद बहुत ही हम्बल हैं। आप जब भी उनसे मिलेंगे वो प्यार से आपसे हाय हेलो करेंगे, बहुत झुक के हाय हेलो करेंगे। सो आई लव व्हेन ही डज दिस, यू नो, बिकॉज दिस इज लाइक इट्स अ वे ऑफ शोइंग दैट यू आर नॉट अफ्रेड टू बाउ डाउन, यू नो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हैबिट टू डू। सो लास्टली दिवाली विश हो जाए ऑडियंस के लिए। मैं आप सब लोगों को हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ इस दिवाली कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, जैसे अनिल जी कर रहे हैं, आप भी कुछ अपना प्रेशियस उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है, यू नो, दिवाली मनाने के लिए। प्लीज़ वो पैसे जो आप पटाखों में जलाते हैं, बर्बाद करते हैं, उन पैसों से आप कई बच्चों की ज़िंदगी बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। या सो एक तो उस पटाखों से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ना सिर्फ आपकी बल्कि आप दूसरों की ज़िंदगी पे भी बहुत बड़ा नुकसान डाल रहे हैं और आप उसके ज़िम्मेदार हैं। सो प्लीज़ एज एन इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, ये थोड़े से फ़न के लिए, और मुझे तो फ़न समझ में भी नहीं आता, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, बेचारे कुत्ते बिल्लियाँ डर जाते हैं, कई तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मेरे दोस्तों के दो कुत्ते बेचारे दिवाली में मरे हैं बिकॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सो आई डोंट लाइक दिस, आई फील वी कैन डू सो मच बेटर एज ह्यूमन बींग्स। वही पैसा आप कितने लोगों की भलाई के लिए लगा सकते हैं। एंड जो जॉय आई कैन राइट डाऊन, अगर कोई पेपर पेन या पत्थर लेके आओ, मैं उस पर लिख दूंगी, जो जॉय जो खुशी आपको दूसरों के लिए कुछ करने से मिलती है वो कुछ करने से नहीं मिलती है। वो खुशी आपके मरते दम तक रहेगी। आप जब अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपने अपने जीवन में जो भगवान ने आपको ये जो कुदरत ने जीवन दिया है इसमें आपने किसी के लिए तो कुछ किया। थैंक यू सो मच।